नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्सिता सिंह। दोपहर के 1 बजने को है वक्त, हम हो गया है इस वक्त की अहम खबरों पर विस्तार से बातचीत करने का। लेकिन इस बीच एक अहम खबर आ रही है, जस्टिस गांगुली विवाद में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान पर 1.5 घंटे के बाद माफी मांग ली है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा था उसे गलत संदर्भ में समझा गया। फारूक के मुताबिक वो महिलाओं का सम्मान चाहते हैं, फारूक के मुताबिक वो सबके सम्मान के हक में है। फारूक का पहला बयान करीब 11 बजे आया था, लेकिन उस बयान पर विवाद होने के बाद करीब 12:30 बजे यानी 1.5 घंटे के भीतर उन्होंने माफी भी मांग ली। फारूक ने खुद के बयान पर विवाद के लिए मीडिया को दोषी ठहराया और कहा कि मीडिया हमेशा पुरुषों को आड़े हाथ लेने की ताक में रहती है। अपनी सफाई के दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि मीडिया ने ही नरेंद्र मोदी के जासूसी कांड पर बखेड़ा खड़ा किया है। यानी विवादित बयान पर सफाई में फारूक ने एक बार फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि खुद उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता फारूक से माफी की उम्मीद की थी। सर, आपको लगता है कि आपके बयान को मिसअंडरस्टूड किया गया? हाँ, बहुत गलत इस्तेमाल किया गया है और मुझे उसके लिए माफी है। सर, जिस तरह से आपने बोला कि प्राइवेट सेक्रेटरीज आप हायर करने से डरेंगे, आपको लगता है एक गलत मैसेज जाता है इस तरह से नहीं बोला? अरे यार, हर वक्त ही गलत मैसेज जाता। कब सीधा मैसेज गया? यहाँ सीधा मैसेज तो कोई सुनता ही नहीं है, उल्टी मैसेज कर देते हैं। आपके सन ने भी ट्वीट किया कि मिसप्लेस्ड ह्यूमर था। उमर खुदा सलामत रखे उसको यार, और क्या, मुझे कुछ नहीं कहना। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने कहा कि उनके बयान को जो है गलत समझा गया और उनका ये मायने नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन बंसल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो इस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने माफी तो मांगी है, लेकिन जिस अंदाज में माफी मांगी वो भी आपने देखा। माफी मांगने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने सारे बवाल का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। फारूक ने कहा है कि मीडिया का बस चले तो वो सारे मर्दों को जेल भेज देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज मीडिया ने उन्हें फंसा दिया है, ठीक वैसे ही जैसा जासूसी कांड में नरेंद्र मोदी को मीडिया ने ही फंसाया है। अरे यार, काहे को मुझको फंसा रहे हो? तुम्हारा मीडिया और तो कुछ कर नहीं सकता है। कभी तो मोदी को पकड़ लेते हो, कभी किसी चीज को पकड़ लेते हो, अब क्या औरतों को ही पकड़ना है तुम लोगों ने? सारे मर्दों को तुम जेल भेज दो सीधा। गुस्सा था, मजाक था, और ये तमाम चीजें अब फारूक अब्दुल्ला के बयान में भी साफ देखने को मिल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि फारूक ने ऐसा क्या कहा था जिस पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और उन्हें माफी मांगने की नौबत क्यों आ गई थी। दरअसल इंटर्न यौन शोषण मामले में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला से जब मीडिया ने उनकी राय जाननी चाही तो फारूक ने कहा कि उन्हें तो अब लड़कियों से बात करने में भी डर लगता है और हालत ये हो गई है कि अब लोग महिला पीए भी नहीं रखेंगे। आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का, अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, ये खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। मैं मानता हूं कि रेप बढ़ गए हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मगर कहीं तो कोई रुकावट होना चाहिए। और इस अहम खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं दिल्ली में मौजूद हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता का। नीरज, माफी का भी बयान हमने सुना, उसके पहले उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी थी फारूक अब्दुल्ला ने वो भी हमने सुनी, लेकिन अब जो बात मौसमी उनसे करी थी उससे साफ छलक रहा था कि क्या वो वाकई माफी मांग रहे हैं, क्या उन्हें खेद है, या फिर एक नाराजगी है जो उनके इन बयानों से अब झलक रही है? मुझे लगता है कि नाराजगी भी इसके लिए छोटा शब्द है। जिस अंदाज में फारूक अब्दुल्ला ने माफी मांगी है वो साफ दिखाता है कि उन्हें इस बात का कतई एहसास नहीं है कि वो इस देश के केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस देश के सांसद हैं, वो उस वर्ग से रिश्ता रखते हैं, उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस देश में कानून बनाता है। फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह के पहले वो बयान देकर और फिर उसके बाद माफी मांगकर, मुझे लगता है कि सांसदों को जो एक इज्जत बख्शी जाती है सांसद होने के नाते, उसे पूरी तरह से बर्बाद किया है। और जिस अंदाज में उन्होंने माफी मांगी है उससे ये साफ लगता है कि वो माफी मांगकर भी कोई एहसान कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी मीडिया पर आरोप लगाते हुए वो नरेंद्र मोदी के साथ जाकर खड़े हो गए, तो यानी कि जब खुद पर आरोप लगेंगे तो तमाम आरोपी एक साथ हो जाएंगे। ये बात उन्होंने एक बार फिर दर्शाई है अपने इस बयान से, और मुझे लगता है कि जिस अंदाज में माफी फारूक अब्दुल्ला ने मांगी है उसकी भी कड़ी निंदा होनी चाहिए। जी नीरज, क्या आप देखते हैं कि ये मामला यहीं रफा दफा होकर खत्म हो गया है या फिर आगे ये और तूल पकड़ सकता है? देखिए,
बयानबाजियां जरूर होंगी, विवाद होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बात तय है, क्योंकि पिछले तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें इसी तरह माफी की औपचारिकता के बाद मामले खत्म कर दिए जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। बड़ा सवाल इसमें यह है कि देश के केंद्रीय मंत्री और सांसद होने के नाते फारूक अब्दुल्ला ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो पूरे महिला वर्ग के खिलाफ है और उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और इसका कोई ना कोई प्रावधान निकाला जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और जो बात उन्होंने नरेंद्र मोदी के बाद में कही और कहा है कि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मीडिया ने उसका इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है जिस वजह से अब तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उस पर मिलनी शुरू हो गई हैं, उसे किस संदर्भ में देखा जा रहा है नीरज? ये सीधी बात है कि जब आरोप लगेंगे तो तमाम आरोपी अपनी पुरानी दुश्मनियां, अपनी सियासी अदावत छोड़कर एक साथ खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर ये साबित किया है फारूक अब्दुल्ला ने अपने इस बयान से कि अगर उन्हें मीडिया को कटघरे में खड़ा करना है तो वो नरेंद्र मोदी के साथ भी खड़ा होने को तैयार है। ये बात करके फारूक अब्दुल्ला ने यह साफ दिखा दिया है कि उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। वो इस बात को महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि वो देश में किस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों के सामने उन्हें क्या मिसाल पेश करनी चाहिए। इन तमाम चीजों का फारूक अब्दुल्ला ने अपने ये बयान देकर पूरी तरह निराश किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी बातचीत के लिए। तो फारूक अब्दुल्ला ने माफी तो मांगी, लेकिन जिस अंदाज में वो माफी मांगी गई वो भी हमने आपको दिखाया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के बयान पर विवाद होना लाजमी ही था। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से फारूक के बयान पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई थी। बीजेपी ने फारूक के बयान की निंदा की है। फारूक अब्दुल्ला जी के इस बयान से मैं निंदा करती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि महिला को काम तभी देना चाहिए जब महिला को प्रताड़ित करने का पुरुष के पास अधिकार। और वहीं एनसीपी नेता फारूक माफ कीजिएगा एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई है। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा है कि फारूक ने बयान गंभीरता से नहीं दिया होगा। ये जो संघर्ष है कि किस महिलाओं के साथ वही व्यवहार किया जाए जैसे पुरुषों के साथ और महिलाओं को एक समान अधिकार दिए जाए, नौकरी का अवसर दिया जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें कई लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, समाज में के तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। तो हम इस कठिनाई को जानते हैं और जहां जहां रास्ते में कोई अड़चन आएगी उनको समझाएंगे बताएंगे। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह, कुछ देर पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान पर माफी मांगी है और उन्होंने तुलना नरेंद्र मोदी से करते हुए कहा है कि मीडिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया था स्नूपिंग स्कैंडल के दौरान, उसी तरीके से अब फारूक अब्दुल्ला के पीछे पड़ गया। आपकी प्रतिक्रिया? ये मैं ये तो नहीं जानता, मगर फारूक अब्दुल्ला जी ने माफी मांगी, अच्छा किया, मगर कहीं न कहीं उनके अंदर भी जो आर्टिकल 370 का जो जेंडर बायस है जो महिलाओं के प्रति, वो सामने दिख जाता है। मैं उसके बाद वो माफी भी मांगते हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि फारूक अब्दुल्ला जी सीनियर पॉलिटिशियन है, इस देश के बड़े नेता हैं, वो शायद जिस जम्मू कश्मीर की और महिलाओं के साथ, इस देश में हर महिला के साथ जैसे एक सामान्य व्यवहार होता है उसके ऊपर वो आर्टिकल 370 में मोदी जी हमारा सपोर्ट करें कि इस पे एक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये पूरी जो जिम्मेदारी है ये मीडिया की है, क्योंकि मीडिया ही छोटे मोटे बयानों को, हल्के फुल्के बयानों को इतना बड़ा करके दिखाता है और बखेड़ा खड़ा करता है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के जासूसी कांड के दौरान हुआ था। सिद्धार्थनाथ सिंह, अब उनको धीमे धीमे एहसास हो रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, पहले उन लोगों ने उसका मोदी जी के जम्मू की रैली का क्रिटिसिज्म किया, फिर उमर अब्दुल्ला डिबेट पे आ गए जो मोदी जी कह रहे थे, फारूक अब्दुल्ला जी भी स्नूप गेट के बारे में कह रहे हैं, तो एहसास हो रहा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है उनको कि इस देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया सिद्धार्थ हमसे बातचीत करने के लिए। तो फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा का दौर शुरू ही हुआ था कि इस बीच महिला आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई थी, लेकिन महिला आयोग की प्रतिक्रिया से लोग काफी हैरान रह गए। महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि फारूक ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कि बहुत आपत्तिजनक हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना बयान भी वापस लें, कोई ऐसी बात नहीं कह दी है कि जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक हो, लेकिन फिर भी लेकिन ऐसा है कि महिलाएं ऑलरेडी खुद इतनी अवेयर हो गई हैं कि उनको पता है किस तरह से उनको अपनी सुरक्षा करना है।